भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की क्षेत्रीय बैठक बुधवार को बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष नसीरुद्दीन अंसारी ने की। बैठक में मुख्य रूप से मोर्चा के नव निर्वाचित पदाधिकारियों के परिचय के साथ साथ मोर्चा के अन्य नए पदाधिकारियों के गठन पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर आगामी वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के भारी जीत को लेकर भी रणनीति बनाई गई। बैठक के दौरान मोर्चा के इरफान अहमद सहित कई अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष नसीरुद्दीन अंसारी ने कहा, मेरा नाम नसीरुद्दीन अंसारी है, मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चे से गोरखपुर क्षेत्र का। देखिए, सर्वप्रथम तो जो हमारे नौ नियुक्त साथी हैं जिनको जिले का दायित्व दिया गया है, 11 जिले का जो दायित्व दिया गया है उन साथियों को बुलाया गया है। साथ में जो क्षेत्रीय कमेटी हमारी है, 11 जिले में जो क्षेत्रीय कमेटी के लोग हैं उन साथियों को यहाँ बुलाया गया है, नौ नियुक्त साथियों को बुलाया गया है। बाकी एक हम परिचय के लिए, एक दूसरे से परिचय के लिए इस कार्यक्रम को रखें कि एक दूसरे से जो साथी काम करेंगे संगठन के लिए वो एक दूसरे से रूबरू हो जाए और एक दूसरे को समझ लें, पहचान लें, वरना कोई साथी बगल से ही निकल जाता है, दूसरे को पता भी नहीं चलता है। तो हम ये चाहते हैं कि आज परिचय हो जाए और महामानव भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो हम लोगों के धरोहर थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए हम लोग 2 मिनट के लिए मौन रख के खिराज अकीदत पेश करेंगे। इसके बाद इस कार्यक्रम को हम लोग आज समाप्त करेंगे। देखिए, 2019 का चुनाव तो पूरा अल्पसंख्यक मोर्चे पर ही डिपेंड है, इसलिए कि जो 70 सालों से कांग्रेस ने भय पैदा किया मुस्लिम समाज के अंदर, उन भय को ख़त्म करना है। और मुस्लिम समाज लगभग 50% तो समझ चुका है इस बात को, क्योंकि मोदी जी आज 4 साल से जो उनकी कार्यशैली रही है बिना भेदभाव के सुशासन का उनका था, जैसे 3 करोड़ योजनाओं का लाभ आम आदमी को उनके वजह से मिला, जिसमें 50 लाख तो केवल मुसलमानों को लाभ मिला है सरकारी योजनाओं का, चाहे वो मुफ्त बिजली का मामला हो, मुफ्त गैस कनेक्शन का मामला हो, जो शौचालय बन रहे हैं मुफ्त उनका, या आवास का मामला रहा हो, तमाम योजनाओं में से कोई ना कोई एक योजना का लाभ 50 लाख मुसलमानों को मिला है, जिसका डाटा मेरे पास है, जो चाहे देख सकता है, नाम नंबर के साथ है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज या अल्पसंख्यक समाज के लोगों की दुश्मन होती, सिख समुदाय के या बौद्ध जैन पारसियों किसी की अगर भारतीय जनता पार्टी अगर दुश्मन होती, तो 18% उनके हिसाब से पूरा का पूरा लाभ उनको 50 लाख लोगों को मिल चुका है। तो ये मुस्लिम समाज के लोगों को भी अब समझ में आ गया है, उन पाखंडियों का जो अपने आप को तथाकथित सेकुलर कहते हैं उनका ड्रामा ख़त्म हो गया है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज के लोग खुल करके सपोर्ट करके मैदान में खुद आ रहे हैं और वो खुद शपथ ले चुके हैं कि हमको प्रधानमंत्री दोबारा अगर चाहिए तो मोदी जी ही चाहिए बस। तो 2019 में क्या भूमिका है आप लोगों की, क्या तैयारी कर रहे हैं? हमारी तैयारी क्या है, हम जन जन तक जाएंगे, जो पिछली 70 साल के लोगों ने जो काम किया है उनकी अपेक्षा में हम अपने काम को बताएंगे। हमको हमारे बताने से पहले तो जनता बता रही है ना, जो खौफ था वो ख़त्म हो गया है, जो शिक्षा से वंचित थे उनको आज शिक्षा का इंतजाम है। आज मदरसे में जो 70 साल से बच्चे केवल अरबी पढ़ते थे और पढ़ करके जाने के बाद वो सिर्फ वो मदरसों में ही काम करते थे, आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उन्होंने इतना बड़ा पुनीत काम किया कि आज मदरसे से जो बच्चा NCERT पैटर्न पर पढ़ के निकलेगा वो सीधे ISPCS होगा, वो वैज्ञानिक बनेगा, देश की सेवा में जाएगा, सिविल सेवा में जाएगा। तो जितने बच्चे अब निकलेंगे वो दूसरे मदरसे में पढ़ करके केवल रोजी रोटी के लिए मोहताज नहीं रहेंगे, बल्कि देश की सेवा में भी जाएंगे, उनका उत्थान होगा, ये बहुत बड़ी बात है, हमको समझाने की जरूरत है। नाम